हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स बकेट। सो गाइस, आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, एक नई डिश शेयर करने वाली हूँ जो कि सर्दियों में काफ़ी हद तक लोग पसंद करते हैं। जिस तरीके से आप सर्दियों में या फिर मकर संक्रांति जो आती है, अपना फेस्टिवल आता है, उस पर अगर आप तिल पट्टी बोलते हो, जिसे तिल पट्टी बनाते हो, तिल के लड्डू बनाते हो, उसी तरीके से ये भी एक गुड़ से बनाई गई एक डिश है, जिसे गुड़ पट्टी कहते हैं और अधिकतर लोग उसे, सिंधी कास्ट के लोग उसे वड़ा कहते हैं। तो आज मैं उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत हेल्दी भी होती है अपने शरीर के लिए, और जो लोग गुड़ खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि गुड़ के साथ इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें जो ऐड होती है, उससे इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। और जो लोग नहीं खाते वो भी एक बार ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा, बनाकर देखिएगा, आपको डेफिनेटली 100% आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज मैं उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी लास्ट तक देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइज, ये देखने में इस तरीके से होती है, और जितनी देखने में ये अच्छी लग रही है, उतनी खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ईजी तरीके से बन के तैयार भी हो जाती है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आपको लेना है लोहे की कढ़ाई, जिससे कि आपका बैटर तले में चिपकेगा नहीं और अच्छे से बनेगा। इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून घी, और उसमें डाला है मैंने 2 इंच के करीब इलायची पाउडर। यहाँ पर मैं जो मेज़रमेंट बता रही हूँ, 1/2 किलो गुड़ की गुड़ पट्टी के लिए है। घी गर्म होने के बाद हमें यहाँ पर गेहूँ का आटा मिक्स करना है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है, और इसे हम अच्छे से घी के साथ रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें हलवे वाला बैटर नहीं बनाना है, बिल्कुल लिक्विड वाला बैटर नहीं बनाना है, हमें बस घी के अंदर आटे को रोस्ट करना है अच्छे से, ताकि हमारा आटा अच्छे से पक जाए, यानी कि थोड़ा ब्राउन हो जाए। इतना हमें इसे अच्छे से पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। अगर आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों की, सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी भी बढ़ाना है। यहाँ पर 1/2 किलो गुड़ के हिसाब से मैंने घी लिया 2 चम्मच, 2 इंच के करीब इलायची पाउडर, 1 कप के करीब यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है। कई लोगों को मीठा खाने की आदत होती है खाना खाने के बाद, या ऐसे ही अगर मीठा खाने की इच्छा है तो आप ये वाली डिश ट्राई कर सकते हैं। खासकर सर्दियों में ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात, ये गुड़ से बनी हुई है, तो ये डायबिटीज़ वाले भी इसे खा सकते हैं। धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते रहना है, ताकि ये नीचे लगे ना, नहीं तो आपका आटा नीचे से जल सकता है। इसलिए इसे कलछी से आपको घुमाते रहना है, यानी चलाते रहना है आटे को, जब तक वो बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। हमें एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से पकाना है, जिससे अच्छी खुशबू निकलने लग जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, तब तक इसे थोड़ा हमें धीमी आँच पर पकाना है। तो आटा ब्राउन हो चुका है, आप देखिए, हमें ऐसा ही ब्राउन करना है इसे। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब खसखस ऐड की है, पोस्ता दाना जिसे बोलते हैं। आप ड्राई फ्रूट आपके हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने खोपरा कटा हुआ लिया है, और किशमिश, काली किशमिश ली है। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट सारे ले सकते हैं जो आपको पसंद है, खोपरे का बुरादा जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने ये 3 चीज़ें ऐड की है, जो कि इस गुड़ पट्टी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसे उससे अच्छे से मिलाने के बाद गैस को बंद कर देना है, और इसे किसी प्लेट में निकाल लेना है, और उसी ही कढ़ाई को वापस से साफ करके आपको फिर से गैस पर रखना है, और उसमें हमें अपना 1/2 किलो गुड़ ऐड करना है तोड़कर, और उसमें 1 कप के करीब आपको पानी ऐड करना है। हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, मीडियम पर रखना है, और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि पूरा मेल्ट ना हो जाए या बिल्कुल चाशनी नहीं बन जाए। और आपको चाशनी किस तरीके से रखनी है, कैसी रखनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हमें इसे अच्छे से बिल्कुल पकाना है, यानी कि बिल्कुल मेल्ट करना है। इसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, यानी पूरी डिश बनाने में करीबन आपको 1/2 से 1.25 घंटा यानी 45 मिनट के करीब लगेंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत इस चीज़ में है कि आपको इसे अच्छे से पकाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पकाना, और पूरा मेल्ट होता है उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ।
गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, देखिए बिल्कुल झाग झाग बन चुकी है, यानी कि हमारा गुड़ पक रहा है अच्छे से। लेकिन ये अभी परफेक्ट तरीके से पका है या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसे चेक करने के लिए आप करछी में लेकर देख सकते हैं कि आपकी एक तार बन रही है कि नहीं बन रही है। दूसरा तरीका ये है कि एक बाउल में पानी लीजिए, उसमें कुछ बूंदे डालिए और उस गुड़ को फिर आप दांत के बीच में चबाइए। अगर वो आपके दांतों में चिपक रहा है तो ये अभी तैयार नहीं हुआ है। अगर वो नहीं चिपक रहा है ज़्यादा तो आपकी चाशनी बनकर तैयार है। तो हमने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए एक दो, उसके बाद जाके परफेक्ट चाशनी बनी। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पानी लीजिए, उसमें कुछ बूंदे डालिए गुड़ की और उसे ठंडा होने के बाद दांतों के बीच में चबाइए और देखिए वो चिपक रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा चिपक रहा है तो अभी उसको बनने में टाइम लगेगा। इस तरीके से हमने 2 से 3 बार चेक किया, उसके बाद जाके हमें पता पड़ा कि परफेक्ट चाशनी बनी है। क्योंकि चाशनी अगर आपकी अच्छी नहीं बनेगी तो आपकी गुड़ पट्टी भी अच्छी नहीं बनेगी। चाशनी लगभग तैयार है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक बड़ी सी थाली लेनी है जिसमें आपको ऑयल स्प्रेड करके रखना है, जिसमें आप आपका बैटर डालेंगे। देखिए इसका कलर ही सारा चेंज हो गया है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल गाढ़े फॉर्म में आ जाएगा, झाग झाग हो जाता है। और उसके बाद जाके ये परफेक्ट तरीके से पूरी गुड़ की चाशनी तैयार होती है। फाइनली जो हमारी चाशनी है गुड़ की वो बन चुकी है। अब हमने जो रोस्टेड आटा रखा हुआ था ड्राई फ्रूट के साथ वो इसमें ऐड करना है। अब सारा एक साथ ना डालिएगा, पहले थोड़ा डालकर मिक्स कीजिएगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं डालना है, जितना इसमें मिक्स हो जाए उतना डालना है। लेकिन हमारा सारा गया है क्योंकि हमने क्वांटिटी गुड़ के हिसाब से ही ली थी। तो सारा मिक्सचर बिल्कुल मिक्स करना है अच्छे तरीके से, धीमी आँच पर बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। 5 मिनट तक इसके साथ इसे पकाना है और फिर आप इसको भी चेक कर सकते हैं एक बार पानी के बाउल में डालकर। अगर आपको लगता है तो उसमें डालकर देखिए, फिर चबाकर देखिए, इसको थोड़ा पका लीजिए अच्छा 5 मिनट तक। घुमाते रहना है आपको ताकि ये नीचे चिपके ना, लगे ना और सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं गाँठे ना रहे। इसके बाद जो है आपको जो आपने थाली रखी थी उसमें ऑयल स्प्रेड करके उसमें आपको सारा मिक्सचर जो है डालना है और फिर इसको फैला लीजिएगा अच्छे से। देखिए सारे ड्राई फ्रूट एक साथ हो गए हैं तो मैं उन्हें कलची की हेल्प से थोड़ा सारे में मैं स्प्रेड कर दूंगी और ऊपर से भी आपको गार्निश के लिए जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। आप इसे गार्निश कर सकते हैं जब तक ये गर्म है, लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि 10 से 15 मिनट के अंदर ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, यानी एक गुड़ पट्टी के फॉर्म में आ जाएगा। तो अभी आप इसके ऊपर जो भी गार्निश करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर हम खसखस डाल रहे हैं इसके ऊपर तो देखने में बहुत लाजवाब लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।